गाइस दसम तो आ गए थे पर एक चौपा हो गया है। हम हैं नदी के इस पार और बाकी दोस्त लोग हैं नदी के उस पार, तो हम देखते हैं नदी के उस पार जाना होगा। अभी दोपहर का राउंड 2:30 हो रहा है। हम नेशनल हाईवे के बगल में है, मेरा गाड़ी कुछ वैसा रखा हुआ है और मैं यहाँ पर लंच पैक करवा रहा हूँ इस पंजाबी ढाबे से। पंजाबी ढाबा का फूड तो बात ही अलग है। लीजिए पेमेंट गाइस। जब तक यहाँ से लंच पैक होता है हम आते हैं बगल वाला पेट्रोल पंप से अपना फ्यूल अप करा के। पेट्रोल पंप ज़्यादा दूर नहीं था, जस्ट बगल में ही था। यहाँ से मस्त फ्यूलिंग कर लेंगे अभी। हो गया फटाक से, अब फटाक से यहाँ जाते हैं और लंच कलेक्ट करते हैं। लंच कलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट बताते हैं आपको कहाँ जा रहा हूँ मैं। चलो गाइस लंच वंच ले लिए, अब चलते हैं डायरेक्ट जहाँ जाना है। चलो फिलहाल अभी हम हाईवे में आ चुके हैं, रोड देख के क्रॉस करते हैं। यहाँ गाड़ी काफ़ी स्पीड में आता है। और यहाँ से कुछ दूरी में जाते ही टोल गेट पहुँच जाएगा जो कि मुझे देना नहीं होगा क्योंकि मैं बाइक में हूँ। गाइस फिलहाल अभी हम NH 33 में हैं, हमको रास्ता ठीक से पता नहीं, इसलिए हम सोच रहे अभी हम मैप लगा लेंगे तब हम एकदम श्योर हो जाएंगे, वरना हम सीधे आगे पार हो जाएंगे और हमको पता भी नहीं चलेगा। अब गाड़ी यहाँ साइड में रोकते हैं और सबसे पहले मैप लगाते हैं। अच्छा मैं बता देता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ दसम फॉल, और दसम फॉल के लिए ये टाटा वाला रोड है और टाटा वाला रोड से हम एक दो बार ही आए हैं तो हमको याद नहीं है। आ रहा है 45, अरे कहाँ से दिखा रहा है 45। ओके तो दसम फॉल यहाँ से अभी 40 किलोमीटर दिखा रहा है। इसको लगा देते हैं यहाँ पर, ये होल्डर बहुत काम का चीज़ है, जब से लगाए ना मज़ा ही आ जा रहा है हमको, वरना हमेशा हाथ में पकड़ के हमको देखना पड़ता था, बार बार पॉकेट में रखते थे फिर वापस निकालते थे। और वैसे में ना हम बहुत बार ऐसे हुआ है कि हम पार हो गए हैं, लेकिन इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। एंड हियर वी गो। दादी अम्मा आराम से बिना देखे पार कर रही है। हाईवे किचन कभी कभी आते रहते हैं यहाँ पे। लंच पैक करवाने गए थे वहाँ, काफ़ी देरी लगा दिया, अराउंड 45 to 50 मिनट्स लगा दिया। और दसम फॉल में फ़िलहाल पूरा ग्रुप पहुंचा हुआ है, हमको कुछ काम था इसलिए हम काफ़ी देरी से निकले हैं। 7-8 किलोमीटर दूर जाके एक टर्निंग है, वहाँ से हमको राइट लेना है। कहीं थोड़ा आगे से टर्न तो दिखा रहा है, वहाँ से एग्जैक्टली वो नहीं पता चल रहा है। अच्छा ये रूट नहीं है, थोड़ा सा और आगे। ओ भाई साहब दसम फॉल का रास्ता यहाँ से दिखा रहा है और टर्न कहाँ से करूँ मैं, बहुत आगे जाना पड़ जाएगा। यहाँ हमको नहीं लगता है कि कोई भी टर्निंग मिलने वाला है यहाँ से। यहाँ से साइड से हम लोग डिवाइडर से उड़ा के चढ़ाएंगे अभी। देखा क्या मस्त उड़ा के चढ़ाया है, पूरा एक राउंड मार के हम देख लिया था, ऐसा पीछे कोई गाड़ी नहीं आ रहा था। यहाँ से अभी रास्ता हम लोग लेफ्ट लेंगे और दसम फॉल राइट। फ़ोन यूज़ नहीं करना है, फ़ोन मैं यूज़ कर रहा हूँ लेकिन वो मैप में लगा हुआ है। दसम फॉल 10 किलोमीटर्स, किन्नी फॉल 9, तो 1 ही किलोमीटर आए अभी तक हम। बताओ यहाँ से हमको लेफ्ट लेना है और कुछ किलोमीटर्स है। सही जा रहा हूँ मैं शायद मैं सही जा रहा हूँ ब्रो। बकरी वाला ट्रैफिक और मैं स्लो होते हुए। ओ दसम फॉल 3 किलोमीटर दूर, साइन बोर्ड दिया हुआ है उधर है दसम, मैप में उधर ही दिखा रहा है। आर्मी ट्रक नहीं दिख रहा हमको। तो क्या चढ़ान साइड जाना है, वापस कॉल करना पड़ेगा।
गाइस दसम तो आ गए थे पर एक चोपा हो गया है। हम हैं नदी के इस पार और बाकी दोस्त लोग हैं नदी के उस पार, तो अब देखते हैं नदी के उस पार जाना होगा। एक्चुअली यहाँ से रास्ता था नदी के इस पार से उस पार जाने का, लेकिन अभी वाटर का फ्लो इतना ज़्यादा है ना कि अभी पार होने नहीं दे रहा है, तो अगर अभी उस साइड जाना है तो वापस से घूम के जाना पड़ेगा। मंकी को केला देने जा रहे हैं। इधर भी एक मंकी था ना, कहाँ गया? उधर कम लाल चित्र वाला लो। मंकी मंकी, ये मंकी मेरे से लेगा कि नहीं लेगा? कम ऑन टेक इट मंकी। ले गया एकदम, छोटा वाला तो लेने नहीं पाया, बड़ा वाला ले लिया, उसको चाहिए यार।